दोस्तों फाइनली बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। तो इस फिल्म को देखने और एनालाइज करने के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिल्म से जुड़े 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो पहला प्लस पॉइंट है फिल्म का कंसेप्ट, जिसमें हमें तरह तरह के अस्त्र और उनकी शक्तियों के बारे में बताया जाता है। और दूसरा प्लस पॉइंट है सॉलिड VFX और म्यूजिक। नो डाउट के फिल्म के ट्रेलर में हमें जैसे VFX देखने को मिले थे, फिल्म में भी आपको हर 2 मिनट पर चमचमाते कीट पतंगे देखने को मिलेंगे। और रही बात म्यूजिक की, तो आपने फिल्म के गाने तो सुने ही होंगे। और इसी के साथ तीसरा प्लस पॉइंट है कैमियो। अगर मूवी में कुछ सबसे ज्यादा चीज है तो वो VFX के बाद कैमियो है। चलिए अब बात करते हैं माइनस पॉइंट्स की। तो मूवी का पहला माइनस पॉइंट है फिल्म की एवरेज स्टोरी लाइन। जिस हिसाब से आयन मुखर्जी को इस फिल्म को बनाने में 11 साल से ज्यादा का समय लगा है, तो उस हिसाब से मूवी की स्टोरी को थोड़ा और बेहतर करना था। सेकंड माइनस पॉइंट है शिवा और ईशा की लव स्टोरी। जहां फिल्म में लोगों को अस्त्रावर्स की दुनिया देखनी थी, वहां इन्होंने बेवजह लव स्टोरी चिपका दी, जबकि ऐसी लव स्टोरी हमें बॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म में देखने को मिलती है। वेल, आयन मुखर्जी की इस यूनिक कोशिश के लिए अगर फिल्म के माइनस पॉइंट को इग्नोर किया जाए तो फिल्म देखने लायक है। वैसे क्या आप फिल्म को देखने जाओगे?